विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपने इतिहास, संस्कृति और कलाकृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अमेरिका कई महान लोगों की मातृभूमि रहा है, जिनमें जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन आदि सम्मिलित हैं। इन्हीं महान हस्तियों के सम्मान में अमेरिका में माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल की स्थापना की गई थी, जिनमें इन प्रसिद्ध लोगों की मूर्तियां बनाई गई हैं। माउंट रशमोर को यह नाम 1885 में न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध वकील चार्ल्स एडवर्ड रशमोर के नाम पर दिया गया था। इतिहासकार डोयन रॉबिन्सन साउथ डकोटा की ब्लैक हिल्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इस पर्वत में कुछ महान लोगों की कलाकृतियों को बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ब्लैक हिल्स पर कुछ प्रमुख नायकों की मूर्तियां बनाने का सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार गुटजन बोरग्लम से संपर्क किया, जो जॉर्जिया में स्टोन माउंटेन की नक्काशी कर रहे थे। गुटजन बोरग्लम डोइन रॉबिन्सन से मिलने के लिए सहमत हो गए। उनका मानना था कि इस पहाड़ को राष्ट्रीय महत्व के साथ बनाना चाहिए, जो हमारे देश के इतिहास को और प्रासंगिक बना दे। वे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बनाना चाहते थे। वर्ष 1927 में ब्लैक हिल्स के पर्वतों पर नक्काशी का काम शुरू हुआ और कुछ वर्षों बाद ये काम 1941 तक पूरा कर लिया गया। दोस्तों, अब माउंट रशमोर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। वर्ष 1923 में साउथ डकोटा के इतिहासकार डोइन रॉबिन्सन द्वारा ब्लैक हिल्स में एक मूर्ति बनाने का सपना देखा गया था। वो राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने का एक तरीका खोजना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप माउंट रशमोर का निर्माण हुआ। इस पहाड़ पर चार प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन के चेहरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। ब्लैक हिल्स पर्वत पर बनाए गए प्रत्येक महान राष्ट्रपति के चेहरे की ऊंचाई लगभग 60 फुट है। वर्ष 1930 में भौगोलिक नामों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राज्य बोर्ड ने इस पहाड़ को आधिकारिक तौर पर माउंट रशमोर के रूप में मान्यता दी थी। ये पहाड़ी क्षेत्र लगभग 1278 एकड़ यानी लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पहाड़ पर नक्काशियों का कार्य लगभग 1927 में शुरू हुआ और जिसे वर्ष 1941 में समाप्त कर लिया गया था। इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 14 साल का समय लगा और इसकी कुल लागत लगभग 989,992 डॉलर थी। वर्ष 1937 में अमेरिकी कांग्रेस के अधिकारियों की एक प्रमुख नेता सुजन बी एंथनी की छवि इस पहाड़ पर जोड़ने के लिए कांग्रेस ने एक बिल पेश किया था, परंतु वो अस्वीकार कर दिया गया था। वर्ष 1938 में गुटजन बोरग्लम ने गुप्त रूप से सिर के पीछे पहाड़ में बने एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करना शुरू कर दिया था, जिसे 1939 में गुटजन बोरग्लम द्वारा पूरी तरह बंद कर दिया गया। मार्च 1941 में मूर्तिकार गुटजन बोरग्लम की मृत्यु हो गई, जिस कारण स्मारक के निर्माण का कार्य उनके बेटे लिंकन बोरग्लम को पूरा करना पड़ा। इस पहाड़ पर नक्काशियों का कार्यभार लगभग 400 से अधिक पुरुषों की एक टीम द्वारा संभाला गया था। इस पहाड़ का 90% नक्काशीदार भाग डायनामाइट की सहायता से तोड़ा गया था। इसके बाद 4.5 लाख टन से अधिक चट्टानों को मजदूरों और मशीनों की सहायता से हटाया गया था। माउंट रशमोर ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो प्रत्येक 10,000 साल में सिर्फ 1 इंच तक ही नष्ट होता है, जिस कारण ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5 लाख वर्षों बाद यह स्मारक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, परंतु इनके चेहरों की आकृति फिर भी बची रहेगी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।